मैजिकल पॉन्ड, गोल्डन फिश एंड मंकी। एक बंदर बड़ी ही देर से जंगल में घूम रहा था। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, पर पीने के लिए पानी ही नहीं मिल रहा था। वो थका हारा एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया कि तभी उसे दूर से कहीं पानी बहने की आवाज सुनाई दी। सुनते ही उसके मन में उम्मीद की एक किरण जाग उठी और वो उस आवाज की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद आवाज तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने ही कहीं कोई तालाब है, बस उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि कहीं उसे वहम तो नहीं हुआ। ये पानी की आवाज तो आ रही है, कहीं से झरना भी बह रहा है, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या करूं, कैसे करूं? मुझे बहुत प्यास भी लगी है। अब अगर थोड़ी देर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के मारे मर ही जाऊंगा। बंदर अब सच में बेहोश होने वाला था कि तभी उसके चेहरे पर पानी की एक छींट उड़ी और वो हड़बड़ा कर जा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी आखिर आया कहां से। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज गूंजी। तुम सही समझे दोस्त, यहाँ एक तालाब है, पर वो कोई साधारण तालाब नहीं है, एक जादुई तालाब है। किसी को भी नहीं दिखाई देता। इसी तालाब की एक सुनहरी मछली हूँ मैं। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे बात कर लूं और हो सके तो तुम्हारी मदद भी कर दूं। जादुई तालाब, ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? बंदर की बात सुन मछली खिलखिलाकर हंसने लगी। वो कहती है, ये कोई सपना नहीं है और सच में ये जादुई तालाब है। वो बंदर को बताती है कि वो जहाँ पर खड़ा है उसके बस 5 कदम दूर पर ही वो जादुई तालाब है। बस उसे एक बार आंखें बंद करके जादुई तालाब के बारे में सोचना है और 5 बार मन में जादुई तालाब को पुकारना है। उसका ऐसे करते ही जादुई तालाब उसके सामने प्रकट हो जाएगा और वो आराम से उसका पानी पी पाएगा। ये मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब मेरे साथ हो रहा है, पर अब प्यास इतनी लगी है कि मुझे एक बार तो कोशिश करनी ही पड़ेगी। जैसा जैसा सुनहरी मछली ने कहा था बंदर ठीक वैसा ही करता है। और जैसे ही वो ये करता है आंखें खोलकर देखने पर तो सामने जादुई तालाब दिखाई देता है, जिसमें एक सुनहरी मछली यहाँ से वहाँ तैर रही थी और बीचों बीच में पानी भरा हुआ था, वो उछल रही थी। बिना देर किए बंदर ने सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई और थका हारा तालाब के किनारे बैठ गया और मुस्कुराते हुए सुनहरी मछली को देखने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, आप तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ या अभी भी यकीन नहीं हो रहा? मेरी प्यास बुझते ही मुझे सब बातों पर यकीन होने लगा। मेरी प्यारी दोस्त, शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा बच गया, वरना मैं तो प्यास के मारे यहीं मर जाता। पर अब मुझे पूरी बात अच्छे से बताओ, आखिर माजरा क्या है और ये जादुई तालाब कैसे है और क्यों? वैसे मुझसे बड़ी गलती हो गई है। इस तालाब के जीवों को बाहर के किसी भी जीव के सामने इस तालाब को लाना मना है, पर मुझसे तुम्हारी हालत देखी ही नहीं गई और मैंने ये राज तुम्हारे सामने खोल दिया। अब शायद इसकी सजा भी मुझे मिलेगी। मछली उसे बताती है कि एक जादुई कछुए का तालाब है जिसकी उम्र 500 साल से भी अधिक है। दूसरे जानवर या फिर इंसान हमारे तालाब को दूषित ना करे, इसलिए उसने ये सब से छुपा कर रखा है। अब अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा और उसका तालाब भी। मैं वादा करता हूँ दोस्त, ये राज मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मरते दम तक नहीं। पर क्या इस तालाब के पानी में कोई और भी जादू है या ये सिर्फ खुद को ही गायब कर सकता है? अरे, ये जादुई पानी बहुत खास है। इसे पीते ही हमारे अंदर की सारी बीमारियाँ, सारी चोटें, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। पर कुछ दुष्ट लोग पहले भी इसका बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। इस तालाब को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई है, इसलिए हमारे कछुए ने इसे सबसे छुपा कर रखा है।
जो सच में जरूरतमंद है और अच्छा है, कछुआ सिर्फ उसी की मदद करता है, बाकी किसी की नहीं। ओ, तो ये बात है। तो ठीक है, आज से मैं भी तुम लोगों का राजदार हूँ। मैं ये राज किसी के सामने नहीं खोलूंगा, पर क्या मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आ सकता हूँ? आखिरकार तुमने मेरी जान बचाई है। सुनहरी मछली भी उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है। उसे भी लगता है कि आखिर इतने दिनों बाद उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। बंदर फिर से लौटकर आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है और वो जादुई तालाब का राज अपने मन में ही संभाल कर रखता है। घमंडी लोमड़ी। एक घना जंगल था। जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी जो अपने आप को बहुत ही होशियार और चतुर समझती थी। सारे जानवर लोमड़ी के इस रवैये से बहुत चिढ़ते थे। कोई भी लोमड़ी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और ना ही उसके साथ खेलते थे। पर इन सभी बातों का लोमड़ी पर कोई असर नहीं होता था। वो ना ही अपना ख्याल बदलती थी और ना ही अपनी सोच। एक दिन लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सारे जंगल के जानवर और यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर भी मेरी तारीफ करें। पर मैं ऐसा करूँ क्या? लोमड़ी बहुत सोच में पड़ जाती है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कई सारे जानवरों से पूछती है, पर कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। पहले वो बंदर के पास जाती है और पूछती है, अरे ओ बंदर, इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। अरे लोमड़ी, क्या तुझे इतना घमंड है? सीधे मुंह बुला भी नहीं सकती क्या? तुझे इतनी इज्जत दे दी यही बहुत है। अब सुन कि मैं क्या कहती हूँ। सारा जंगल मेरी तारीफ करे ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। बता मुझे क्या करना होगा। मैं क्यों बताऊँ तुझे, तू तो बहुत होशियार है ना, तो खुद ही जान ले। हाँ हाँ जान लूंगी, तू जा अपना काम देख। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से निकलती है। रास्ते में हाथी दिखाई देते हैं। अरे ओ मोटू, इधर आ। क्या कहा? अगर मेरी सूंड से एक खींच कर दूंगा ना, तो दूर दूर तक नजर भी नहीं आएगी, समझी? चल जा रास्ता नाप अपना। ऐसा करते करते लोमड़ी एक हिरण के पास जाती है। तुम एक काम करो, इस जंगल के राजा शेर के पास जाओ। वैसे तुम बहुत होशियार और चालाक हो, तुम राजा जी से दोस्ती कर लो और उसका ध्यान तुम्हारी तरफ खींच लेना। तुम राजा जी की दोस्त बन गई तो सारे जंगल के जानवर तुमसे डरेंगे और तुम्हारी जी हजूरी करेंगे। पर एक बात का ख्याल रखना, राजा जी को सिर्फ सच्चे और ईमानदार दोस्त ही पसंद है। हाँ। हर बार की तरह अपने आप को बहुत होशियार समझती है और बिना हिरण की पूरी बात सुने राजा जी के पास चली जाती है। शेर हिरण को देखता है और उसे पूछता है, अरे लोमड़ी, तुम यहाँ क्यों आई हो? लोमड़ी कुछ कहने ही वाली थी कि शेर की नाक पर एक मक्खी आकर बैठती है। मक्खी को देखकर लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे वाह, यही मौका है राजा जी के सामने अच्छा बनने का। मैं मक्खी को मार देती हूँ और सीधे सीधे राजा जी के दिल में जगह बना लेती हूँ। ये सोचकर लोमड़ी वहीं पास में पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर शेर के मुंह पर मार देती है। मक्खी का तो पता नहीं, पर शेर बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आता है। वो लोमड़ी से कहता है, अच्छा तो तू मुझे मारने आई थी? रुक, मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। ये कहकर शेर लोमड़ी पर हमला करता है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से बचकर भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। ये सब दूर खड़ा हिरण देख रहा होता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने आप को हद से ज्यादा होशियार समझना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। ये हमें मुश्किल में भी डाल सकता है।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।